दिए जाते हैं कि इस पर बोलना उस पर बोलना है। मैं कहती हूँ ये पब्लिक कौन सा एस्ट्रोलॉजी कर रही है? एस्ट्रोलॉजी क्या है कि अगर एक बार यात्रा शुरू कर दी उसको आप रोक नहीं सकते। वार्ता भी इतने स्टूडेंट सीखनी सीखनी क्यूरियोसिटी कहती अपनी कुंडली देखनी कि सीखनी है, सीखने के लिए कितना पेशेंस चाहिए। मैं तो ये भी नहीं सोच के चली कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना। मैं सच बताती हूँ, जब आप क्योंकि राहु लगन में ना अनएक्सपेक्टेड कर देता आपकी लाइफ में, ये ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया या एस्ट्रोलॉजर ने, जिनमें डेयर था वो अप्रिशिएट भी करते थे कि मैडम आप में बहुत तो बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर कि आप डरते नहीं हो। मगर तो डर किस बात का, ये शास्त्र मेरे पर्सनल नहीं लिखे हुए, मैं पढ़ के बस झूठ नहीं बोलती। दोनों बातों में फर्क है भाई, दोनों चीजों को मिक्स मत हो करो। आप जितने आए मैडम एस्ट्रोलॉजी सिखा दो, एस्ट्रोलॉजी सिखा दो, एस्ट्रोलॉजी सिखा दो, अरे क्या एस्ट्रोलॉजी सीखनी आसान पड़ी? और फिर मैं कहती हूँ चलिए बेसिक आप सीखा हो ना, फिर कहीं आप अटके तो आप मुझसे पूछ लेना, आगे का गाइड मैं कर, तो वो भी ना हुआ। फिर क्या करा इन लोगों ने कि एक सेशन में जा, दूसरे सेशन में जा, तीसरे में जा, चौथे में जा, पांचवे में जा, छठे में जा, वहां पर क्या आप 4,000 एस्ट्रोलॉजर 4,000 प्रेडिक्शन? कहता मैम ये क्यों है, हर हर एस्ट्रोलॉजर अपनी प्रेडिक्शन क्यों करता है? मैं क्या कुछ चीजें वक्त पर छोड़ दो, तभी तो कहती हूँ काल से बढ़कर कुछ नहीं, समय से बढ़कर क्या है? आप 12 एस्ट्रोलॉजर ले लो, और जिसकी बात जिसने काल पर छोड़ दिया हो, जिसने वक्त पर, मैं प्रेडिक्शन देकर वापस लौट के भी नहीं पूछती क्या हुआ है, वो 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, मुझे ये भी मतलब नाम भी नहीं याद रहते अब तो।